अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक न्यू वीडियो आ चुकी है जो कि जीबी व्हाट्सएप के ही मुतल्लिक है कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप का लोगो चेंज कर सकते हैं और भी आपको इसके बारे में चीज़ें बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचे। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपको वीडियो की सारी समझ आ सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपने ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। आपने सबसे पहले चले जाना है जीबी सेटिंग में। जीबी सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने नीचे जाना है यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में आने के बाद दोस्तों आपने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टाइल लॉक एंड फील। इसके ऊपर दोस्तों प्रेस करने के बाद आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है इमोजी वेरिएंट। दोस्तों आपको यहाँ से इमोजी का जो भी आप वेरिएंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ से आपके 4 से 5 आपको ये वेरिएंट दिए गए हैं, आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फॉन्ट स्टाइल। जैसे कि आपने देखा कि मेरे फॉन्ट स्टाइल का पहले से ही चेंज हुआ हुआ है, तो आप यहां पर इसे प्रेस करने के बाद अपनी मर्ज़ी की यहां से कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के तहत। जैसे कि मैंने पहले भी सिलेक्ट की हुई है तो दोबारा मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके पास ऑप्शन है लॉन्चर आइकन। इसका मतलब यह है कि आपके व्हाट्सएप का लोगो दोस्तों आपने दूसरे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने व्हाट्सएप का जो लोगो सेलेक्ट करना है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोगों हैं जो आपको पसंद है यहाँ से और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे जैसे कि ब्लैक वाला पसंद है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों ये वो कह रहा है कि न्यू ऐप अप्लाइड आइकन, यानी कि हमारा जो आइकन है वो अप्लाइड हो चुका है। आप अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने फिर उधर चले जाना और नीचे एक आखिरी ऑप्शन है नोटिफिकेशन आइकन। दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप की तरफ से या चैट्स की तरफ से आपके पास कोई मैसेज आता है तो आपके पास एक साइड पे व्हाट्सएप लोगो छोटा सा शो कर रहा होता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से भी आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पहले का सिलेक्ट नहीं था, अब यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे कि यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा हैं, हम अपनी मर्ज़ी के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आइकन 31 पसंद है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये दोस्तों मेरा अप्लाई हो चुका है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।